हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योग नाम है सजगता का, योग नाम है जागरूकता का, होश में रहना, धैर्य बनाए रखना, जीवन में कभी भी विचलित नहीं होना। कितनी ही बाधाएं आएं, प्रतिकूलताएं आएं, लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते ही रहना पूरी विवेक के साथ। और ये विवेक, ये जागरूकता, ये संबोधि, ये बुद्धत्व मिलेगा योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। जागेगी भीतर की अंतर की ज्योति, पैदा होगा भीतर से धर्म और सत्य, दर्शन होंगे अंतर में स्वयं भगवान के। आओ अब पूरे धैर्य से, पूरे विवेक से, पूरे जोश के साथ में, होश में रहते हुए प्राणायाम की प्रक्रियाएं, जिससे जागेगी भीतर की शक्ति, लगेगा स्वयं ध्यान। आओ अब सीधे बैठ करके किसी एक मुद्रा विशेष में अपने हाथों की अवस्था रखिए। देखो मुद्राएं मैंने पहले दिन भी बताई थी, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। जिसके शरीर में जो रोग विशेष हो, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार मुद्रा का चयन करें। ये ध्यान मुद्रा फॉर कंसंट्रेशन, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, उसके लिए जरूरी है ध्यान मुद्रा। ऐसे बैठने से ही आपका स्ट्रेस लेवल एकदम जीरो हो जाता है। बस ऐसे बैठना, यूं बैठोगे मन शांत हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल जीरो हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही बैठने से मेमोरी शार्प होगी। ऐसे बैठना, जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, वो भी ऐसे बैठ के प्राणायाम करना, गुस्सा खत्म हो जाएगा ऐसे बैठने से। फिर इस अंगुली को यूं रख देना अंगूठे के मूल में, ये वायु मुद्रा, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई भी तरह का जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट है, आप ऐसे बैठना। वायु मुद्रा, वायु के रोगों के लिए, वात रोग 80 प्रकार के होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। पित्त रोग 40 प्रकार के, 20 प्रकार के कफ रोग, उन सब रोगों का प्राणायाम से प्रशमन होता है, लेकिन ये मुद्राएं भी उसमें मदद करती है। ये वायु मुद्रा। शून्य मुद्रा, जिनको यरिंग प्रॉब्लम्स हैं, कान के रोग हैं, वे ऐसे बैठे, इससे कान ठीक होंगे। ऐसे बैठ जाना, सुनाई नहीं देता है तो ऐसे बैठ जाना। और ये पृथ्वी मुद्रा, जो बहुत मोटे तगड़े लोग हैं या जो बहुत दुबले पतले हैं, वे दोनों ही ऐसे बैठे। दुबलों का वजन बढ़ेगा और जो खाते पीते घरों के हैं उनका थोड़ा वजन ठीक ठाक हो जाएगा। खाते पीते घरों के तो रहोगे, लेकिन जो गोल मटोल हो गए, उन्हें वजन बोरी सा भर रखा है बहुतों ने, वो कम हो जाएगा। ऐसे बैठना। फिर ये जल मुद्रा,
जिनको यूरिन प्रॉब्लम्स है। देखो क्रिएटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल आता है, पीपल के 8 पत्ते घोट करके उनका रस निकाल के पी लेना, ये मुद्रा करना, इसको यहाँ से यूं अब दबा भी देना ऐसे, और यह बीच में हथेली। देखो एक्यूप्रेशर के बारे में भी हमने पहले ही दिन बताया था, ये मुद्राएं तो लाभ करती ही हैं। जैसे जिनके शरीर में बहुत अशक्ति है वे ऐसे बैठे, ये शक्ति मुद्रा। जिनके शरीर में बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है वे ऐसे बैठे, यह अपान मुद्रा। अलग अलग मुद्राएं वो योग साधना योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक में भी हमने बताई थी, और कहा था कि आप होमवर्क जरा करना, ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे, योग के योद्धा बन के जाएंगे आप 7 दिन। फिर एक्यूप्रेशर भी एक बहुत बड़ी पद्धति है, उसका भी बड़ा महत्व है। अब इनका कॉम्बिनेशन करें, घरेलू उपचार, अपने आहार पर नियंत्रण। आप जो मैं आपको आहार के बारे में निर्देश देता हूं कि आप ये डाइट लें, ऐसा सोचें, ऐसा जिए, ऐसा देखें, ऐसा विचारें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसा हमने कहा 6 दिनों तक जिन्होंने वैसा जीवन जिया, अलग अलग सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के आचरण की भिन्नता रहती है। आहार पर पूरा ध्यान देना, जितने टाइम हम यहाँ प्राणायाम योगाभ्यास कराते हैं उतनी देर करना, जो खाने के लिए बोलते हैं वही खाना। फिर एक्यूप्रेशर भी कुछ ने किया है तो फिर पूरा लाभ मिलता है, आपको जो बताया जाता है उसका पूरा ध्यान दो। एक्यूप्रेशर भी क्या है, देखो ये आँख के लिए, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, यह है आंख के लिए, यह है कान के लिए। 1 से 2 मिनट ऐसे दबा लेना, जिनको कान की प्रॉब्लम है वे ऐसे दबाएं, जिनको आंख की प्रॉब्लम है वे ऐसे दबाएं। ऐसे दबाने मात्र से कपालभाति अनुलोम कर विलोम करने से ये अभ्यास 1 से 2 मिनट बस यहां से दबा लेना, इन दो अंगुलियों के नीचे, ये आंख का पॉइंट, 1 से 2 मिनट ऐसे दबा लेना है। ये कान का पॉइंट है, इसको यहां से दबा लेना। ये हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है, सभी पॉइंट दबाने के बाद यहां से दबा लेना, किडनी अस्वस्थ होगी ही नहीं। और यदि क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो एकदम ठीक हो जाएगा ये किडनी के लिए। इसी बाएं हाथ में यहां पर हार्ट के लिए है, ये जीवन रेखा के ऊपर जस्ट सबसे छोटी उंगली, इसके नीचे ये जगह है, यह है हार्ट के लिए। जिनको भी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है वो ऐसे दबा लेना। फिर इसके नीचे है ये डायबिटीज के लिए, जस्ट इसके नीचे, ये डायबिटीज के लिए, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, यहां पर यह है जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इसको देखिए, यह है डायबिटीज के लिए, यह है हार्ट के लिए, यह बीच में किडनी के लिए, यह स्टोमक के लिए, जिनको गैस बनती है वो थोड़ा ऐसा और दबा लें, गैस बननी ठीक। ये थायराइड के लिए, थायराइड पैराथायराइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम, गले के रोग, आप ऐसे दबा लीजिए, गला थक गया है तो दबा लीजिए, आप ऐसा दबाइए, ऐसा दबाने से गला ठीक रहेगा। हम तो कभी कभी दबा लेते हैं तो ठीक ठाक रहता है, आप कहेंगे स्वामी जी आपका भी गला बैठा बैठा लग रहा है। अब कल यदि आप भी बोलते तो शायद आप तो बोल ही नहीं पाते। कल पूरा जो स्पेशल प्रोग्रामों की जो शूटिंग हुई, डॉक्यूमेंट्री जो विशेष रोगों के ऊपर हम बनाते हैं, तो कल लगातार 15 घंटा बोलने के बाद आज बोल तो रहा हूं मैं आपके बीच में, दूसरा होता तो शायद बोलती बंद हो जाती। ये पॉइंट है थायराइड पैराथायराइड के लिए, गले के लिए, ये पॉइंट, ये यहां से दबा लें पूरा। बच्चे भी जिनको टॉन्सिल है, जिनकी हाइट कम है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी 2 ही महत्वपूर्ण ग्लैंड होते हैं, एक थायराइड ग्लैंड और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड यहां से ठीक हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहां से ठीक हो जाता है। ये अंगूठा दोनों साइड से दबा दे, बीच से भी दबा दे, इससे बच्चों का ब्रेन सिस्टम भी एक्टिवेट रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन ठीक रहेगा। ऐसे आपने देखा होगा जो बच्चे अंगूठे चूसते हैं ना वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को अंगूठा चुसाना शुरू करवा दें, परंतु ऐसा दबा दे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन सिस्टम, ये थायराइड पैराथायराइड का, फिर ये टॉन्सिल का, ऐसे तेल लगा के थोड़ा सा बच्चों को भी ऐसे, पहले माताएं मालिश कर दिया करती थी उससे बच्चों को टॉन्सिल नहीं होते थे, यहां पर भी ये पॉइंट ऐसे दूसरे हाथ में भी। ये पहला
पहली अंगुली और ये अंगूठा इनके बीच में, ये इधर से, ये है, यह कई पॉइंट हैं। देखो आपको कई पॉइंट एक साथ बताते हैं। ये है टॉन्सिल के लिए, गले के लिए। बच्चों को टॉन्सिल हो जाए आप उनका ऑपरेशन मत करवाना, ऑपरेशन कराने से जिंदगी भर उनका गला खराब हो जाता है। आप यहां से दवाई कपालभाती उज्जाई करवाइए, त्रिकुटा बहेड़ा प्रवाल पिष्टि आदि जो हमने लिखा हुआ है योग औषध दर्शन में वो दे देना। त्रिकुटा 50, बहेड़ा 25, गोदंती या प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, मिलाकर के आधा आधा ग्राम बच्चों को चटा दीजिए। ये करना, टॉन्सिल 100% अच्छे हो जाते हैं। गले में निडल्स हो जाते हैं, वो भी अच्छे किए हमने। गले का जो है, जिनका वोकल कार्ड का पोलाइसिस था वो भी हमने अच्छा किया। ये थायराइड का पॉइंट दबा के कपालभाती उज्जाई करवा करके, ये टॉन्सिल के लिए। फिर ये इधर अंगूठे के मूल में, इधर ये सिर के दर्द के लिए है, अंगूठे के मूल में यहाँ, ये सिर के दर्द के लिए, ये देख लो, ये पॉइंट अंगूठे के नीचे यहाँ जहाँ से अंगूठा शुरू हो रहा है इसके मूल में ऐसे दबाना अंदर की ओर, तो ये सिर के दर्द के लिए। ऐसे करके नहीं दबाना, ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, आपको कभी सोचो कि यही कोई तरीका है, ऐसे आप ऐसे दबाएंगे यहाँ पर, तो ये आपको हमने बताया सिर के दर्द के लिए। फिर इस पहली उंगली के मूल में यह दबाना, यह कमर का दर्द, ऊपर दबाने से सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन, पूरा दबा दो तो पूरी स्पाइन अच्छी, यहां से ऐसे दबा दो। और इस उंगली के बिल्कुल नीचे मूल में गहरा दबा दो, बिल्कुल गहरा अंदर की तरफ, तो पेट का दर्द खत्म, धरनिया धरन डिग जाती है, पीछोटी नाभि खिसक जाती है, सेंटर में रहती है ना नाभि तो ठीक रहता है, ये खिसक जाए तो यहां से अंदर से दबा दो जोर से, बस 10-15 सेकंड यहां से, 10-15 सेकंड यहां से दबा देना जोर से अंदर, और आप देखना 99% लोगों को यहां पर भयंकर दर्द होगा। एक बार दबा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। यहां इसके अंदर दबाना, एक तो कमर का है ऊपर, उसके नीचे इस अंगुली के जहां शुरू होती है नीचे दबाओ अंदर मांस में, बहुत दर्द होगा। ये एनर्जिक पॉइंट इतने जबरदस्त है, कोई कहता है ना मैं तो एक्यूप्रेशर को मानता ही नहीं, उसको पकड़ के जरा एक दो पॉइंट ऐसे उनको दबा दो, वो नहीं उसका बाप भी मानने लग जाएगा। बड़ी अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है यहां से, ऊर्जा का फ्लो जब ज्यादा बहता है ना तो आदमी उसको सह नहीं पाता, बस इतना ही है, तो थोड़ी देर के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है लेकिन ठीक हो जाता है बाद। देखो ये कमर के लिए, फिर इसके ये पहली और दूसरी उंगली, इसके पीछे ये सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन के लिए, यहां से ये पॉइंट इसको दबा लेना। किसी को भी सर्वाइकल पेन हो जाए ना घर में या कमर में दर्द हो जाए, बस यही दबा दो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं आपको। और जो हम सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं सर्वाइकल के, और भुजंगासन कराते हैं, मकरासन कराते हैं, उसको करवा दो, 100% अच्छा होता है सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन यहीं से करने से। फिर ये दूसरा और तीसरा भी, एक कोने में यहां कंधे तक कोई भी दर्द है। फिर अब देखो ये जो आपके नाखून ऊपर जहां खत्म हुए, यहां मांस टॉप पर, यहां दबाने से दांतों की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दांत में कोई भी दर्द है, दाएं तरफ दर्द है तो दाएं तरफ, बाएं तरफ है तो बाएं तरफ, ऐसे दबा देना, ये ऐसे टॉप पर, ये टॉप पर नाखून जहां पर खत्म हुआ और ये मांसल भाग, ये जो ऊपर टॉप पर एकदम नाखून का जहां पर एंड होता है यहां पर दबाओ, पारिया की समस्या खत्म, दांत का दर्द ठीक, ठंडा गर्म पानी लगना बंद, ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा, आपको जो मंजन बताते हैं वो भी कर लेना, हल्दी सेंधा नमक फिटकरी की भस्म और नीम के पत्ते, बबूल की छाल, बहेड़ा और लव जो है लविंग लौंग, ये सब आपको घरेलू एक मंजन हम कई बार बता चुके हैं वो प्रयोग कर लेना, ये दबा लेना। और भी नहीं कुछ कर पाए दांत का पॉइंट तो हार्ड फर्श के ऊपर ऐसे यो कर लेना अंगुलियां जोर से, इससे आपके दांत ठीक हो जाएंगे, पारिया की बीमारी खत्म, दांत में ठंडा गर्म लगना बंद, ऐसे ही दबा लेना बस, जमीन के ऊपर जोर से दबाना। फिर और देखो अभी ये जो दो उंगलियां बीच की, इनमें पूरा शरीर आ जाता है। अब आप एक उंगली दबा लें जिससे आप तिलक लगाते हैं ना अक्सर, ये वाली अनामिका, इस अंगुली के चारों तरफ पॉइंटी पॉइंट है, इनमें इसमें पूरा शरीर आ जाता है आदमी का। आप इसको पूरे को दबा लेना और जहां दुखे वहीं दबाना बस,
आपकी बीमारी है वहां। इसको पोरा, जो ऊपर का पोरवा है, इतना तो सब दबा सकते हैं, और इसमें जहां दुखे वहीं दबाओ। जैसे मान लीजिए नीचे दुख रहा है तो नीचे दबा दो, साइड में दुख रहा है तो साइड से दबाओ, ऊपर दुख रहा है तो ऊपर दबाओ, इधर पूरा, ये जो पूरा पोरवा है आपका एक, इस पूरे पोरवे को दबा दीजिए आप। यहां से ऐसे ऐसे जहां से भी दुख रहा है, इसमें कमर दर्द का भी पॉइंट है, इसमें सिर दर्द का भी पॉइंट है, इसमें हार्ट का भी पॉइंट है, इसमें माइग्रेन का भी पॉइंट है, इसमें स्लिप डिस्क का भी पॉइंट है, इसमें पेट का भी पॉइंट है, सारे जो पॉइंट्स हैं, शक्ति के केंद्र आपके इसी अंगुली में, इसमें बस इसको दबा लें। पैर में भी ये लाभ करती है, हाथ में भी। फिर देखो यहां बवासीर का पॉइंट है, ये देख लो, ये जो पॉइंट है ये बवासीर का, ये जो नीचे है, ये जो पॉइंट है दो, ये माताओं बहनों की जिनकी ट्यूब बंद है, या पुरुषों को जिनको शुक्र संबंधी रोग है, धातु संबंधी कोई भी बीमारी है, यहां से दबा देना। मैंने बताया था चूड़ियां पहनना कमजोरी का लक्षण नहीं, चूड़ियां पहनना एक साइंस है, विज्ञान है। तो ये विज्ञान सम्मत विधा है एक्यूप्रेशर भी, ये यहां से दोनों तरफ से दबा लेना तो माताओं बहनों की बंद ट्यूबें खुल जाएंगे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, पुरुषों के जिनके स्पर्म काउंट कम है उनके स्पर्म काउंट ठीक हो जाएंगे, जिनका सेक्सुअल डेवलपमेंट रुक गया है वो होने लगेगा, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स यहां से दबाने से ठीक हो जाएंगे। फिर ये यहां पर ये जो कलाई है ना, इसके ये इधर है हड्डी है, ये अंगूठे के नीचे की तरफ यहां पर, ये इसको ऐसे दबा दो, जिनको पायल्स है ना उनको भयंकर दर्द होगा यहां, लेकिन ऐसे दबाने से पायल्स एकदम ठीक। देखो ये तो एक मास्टर पॉइंट है, इसको तो आप याद कर लीजिए, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, स्लिप डिस्क, शाटिका, सब यहां से दबाने से ठीक। ये फिर इसी के थोड़ा नीचे, ये मतलब इसके बीच में दबाएं, इसके ऊपर दबाएं, इस अंगुली के दबाने से आपका सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सिर दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है, अवसाद रहता है गहरा, हाई बीपी रहता है, वो सब यहां दबाने से ठीक। फिर ये सारे, ये आंख के लिए, कान के लिए, ये किडनी के लिए, यहाँ फेफड़ों के लिए, हाथ में भी यहाँ फेफड़ों के लिए, ये थायराइड के लिए, ये सारे पॉइंट सेम। फिर ये पीछे के चैनल दर्दों के लिए बहुत जरूरी, इनको दबा लेना। ये सारी चीजें आप साथ में करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। योग के साथ साथ एक्यूप्रेशर भी आपकी बहुत मदद करता है, और इसमें हानि कुछ भी नहीं है, हानि 1% भी नहीं। कोई गलत जगह पॉइंट दब जाएगा तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है, उससे हानि कुछ नहीं होगी, लाभ पूरा मिलेगा। ये स्पाइन के लिए एक और भी पॉइंट है जो पूरा चंद्राकार भाग है इसका। तो ये एक्यूप्रेशर ये भी आपकी मदद करता है आपकी बीमारियों को मिटाने में।